नमस्कार, मैं हूं तान्या तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज व्यूज। सिवान सहित देश की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। चलिए अब हम आपको आज की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराते हैं। सिवान में अमूमन यह देखा गया है कि अक्सर जो नेता वादा करते हैं उसे करते नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रखंड और पंचायत हैं जो विकास की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं और वहाँ की जनता काफी खुश है। इन्हीं में से एक पंचायत है सिवान के रघुनाथपुर क्षेत्र का गोपी पत्याव। सिवान के रघुनाथपुर क्षेत्र का गोपी पत्याव, जहां एक युवा जन प्रतिनिधि मुखिया मनोरंजन साह ने कम समय में विकास का वह सारा काम किया जिससे लोग संतुष्ट हैं। आइए जानते हैं गोपी पत्याव में किन कार्यों से लोग संतुष्ट हैं और अपने मुखिया के प्रति उनका क्या नजरिया है। एक तरफ जहाँ विकास के नाम पर जनप्रतिनिधि लोगों को ठग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर युवा शक्ति राजनीति में आता है तो विकास की एक नई गाथा लिखी जाती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है सिवान जिले के रघुनाथपुर प्रखंड के गोपी पत्याव पंचायत के युवा मुखिया मनोरंजन साह ने। मनोरंजन साह ने अपने पंचायत में विकास की एक ऐसी लहर शुरू की है कि अब युवा तो साथ है ही, साथ ही साथ क्षेत्र के हर तबके के लोग उनके साथ हो लिए हैं और विकास की इस कथा को बयां कर रहे हैं। आपको बता दें कि 4 साल पूर्व बाहर रहने वाले एक कंपनी में नौकरी करने वाले युवा मनोरंजन साह जब अपने गांव आए तो लोगों ने उनसे आग्रह किया कि वह चुनाव लड़ें और उन्होंने उनके आग्रह को माना और उनके विश्वास पे खड़े उतरे और देखते ही देखते क्षेत्र में विकास शुरू कर दिया। साथ ही साथ लोगों ने भी अपना विश्वास दिखाया और उन्हें अपना जनप्रतिनिधि बनाकर मुखिया बना डाला। लेकिन लोगों के विश्वास पे खरा उतरते हुए मुखिया मनोरंजन साह ने क्षेत्र का चौमुखी विकास किया। एक तरफ जहां नल जल योजना को पूर्ण रूप से क्षेत्र में उतारा, वहीं दूसरी तरफ आवास योजना एवं पशुओं के लिए भी कई योजनाएं जो शुरू की गई थी उसे भी धरातल को उतारा है। या हम नहीं कहते बल्कि क्षेत्र की युवा महिला और लोग कहते हैं। और क्या क्या मतलब काम हुआ मेरे गांव में? गली गली ईटाकरण हुआ, ये सब शेड सब हो रहा है ना, वो करवा रहे हैं, लेटिन भी सब बनवाए हैं। अब ये तो मैं घर में के रहने वाली हूँ ना, ये सब मालूम नहीं है। मेरा नाम राजवंती देवी, घर का नाम महेश कुमार सिंह है, मैं गोविंदिया पंचायत से बोल रहा हूँ। मैं मेरे ज़मीन में नल जल का काम हुआ है मुखिया जी के माध्यम से, और मेरे मुखिया जी जो हैं काम करने के मायने में तो पूछना ही नहीं है। जो काम जो भी लोग बोलते हैं वो उसको तुरंत करते हैं। हम भी बोले कि मेरी ज़मीन में बढ़ हो जाए, मुखिया जी कहे कि वह अच्छा भी ज़मीन है, काली माँ का स्थान है पास में, हम लोग सोचे कि यहाँ होगा तो अच्छा होगा। और नल जल की बात है तो मतलब पूछना ही ना, हम बहुत कम समय में नल जल का काम किए हैं और मुखिया जी के माध्यम से जो भी काम आता है तो हम लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं मुखिया जी। हम चाहते हैं कि ऐसा ही मुखिया हमारे फिर ये हों, दोबारा हों और हमारे पंचायत का विकास हो। महेश सिंह बहुत बढ़िया हुआ सर, हमारे जो भी शंकर सिंह मुखिया मनोरंजन प्रत्याशी हैं जो हमारे वर्तमान में, उन्होंने बहुत बढ़िया अपने तय दिल से काम किया है। जो कोई भी फंड आया है बहुत बढ़िया, मतलब कि सब कुछ लेकर चलते हैं, सबको जनता को एक साथ लेकर चलते हैं और किसी भी समस्या में अपने कदम आगे बढ़ाते हैं। हमारे युवा इनके सपोर्ट में हमेशा रहते हैं और हमेशा रहेंगे। मेरे पंचायत के काम के बारे में तो आप बात ही मत कीजिए, क्योंकि हम शुरू से गांव में ही रहते हैं और हम ये देखे हैं कि मेरे पिछले 10-15 वर्षों में जितना काम नहीं हुआ है इतना अभी वर्तमान मुखिया जी हैं मनोरंजन साह उनके रीजन में काम हुआ है। काम में आप ले लीजिए ईटकरण होगा या फिर PCC है या फिर जल जीवन हरियाली के तहत मतलब पेड़ वेड़ लग रहा है, उसके बाद फिर से मान लीजिए कि शौचालय बन रहा है, पशु वाला शेड बन रहा है, फिर या मनरेगा के तहत मतलब जितना भी काम हो रहा है बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ठीक है, काम के बारे में या फिर मुखिया जी कोई ऐसे मरता वरता भी है तो अपना
पैसा ऐसा देते हैं मरने के दिन या फिर उसकी क्रिया तक जो भी मतलब सक्षम होते हैं अपने शक्ति से उनका मदद करते हैं, मतलब बहुत अच्छा काम करते हैं। और हमारे पंचायत की पूरी जनता जो है ना फिर मन बना चुकी है, इस बार ये नहीं हो जीताएगी, फुल सपोर्ट कर रही है। कोई दिक्कत, मेरा नाम अजीत कुमार सिंह जी। हमारे गोपीपत यहाँ पंचायत में मतलब मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना में से लगभग यहाँ पे संपूर्ण कार्य किया गया है। नल जल के साथ साथ गौशाला शेड, जल जीवन हरियाली के तहत वृक्षारोपण और इसके साथ साथ मनरेगा के तहत जो भी कार्य होते हैं उनको पूरा किया गया है। और जो भी हमारे पंचायत में विकास का कार्य हुआ है वो माननीय हमारे मुखिया मनोरंजन शाह जी के माध्यम से ही अभी फिलहाल में हुआ है। और हम कामना भगवान से यही करेंगे कि हमारे वर्तमान में ही मुखिया मनोरंजन शाह हैं वो रहें और भविष्य में भी हमारे मुखिया मनोरंजन शाह ही जैसे ही जनप्रतिनिधि को। काम तो बहुत हुआ है सर, रोड बनाए हैं, नल जल योजना है वो भी बनाए हैं, बहुत काम हुआ है। किसके सदन में से हुआ है? मुखिया जी के, मनोरंजन शाह और विधायक के, उनके तहत तो कोई काम नहीं दिख रहा है हमारे पंचायत में, अब देख भी सकते हैं कोई काम नहीं हुआ है। पंचायत में तो बहुत साफ मुखिया की तरफ से हुआ है, जैसे गड्ढा उड्ढा मनरेगा उनरेगा की तरफ से, जल नल के तरफ से बहुत सा काम हुआ है। अभी बहुत काम भी हो रहा है, फंड भी आ रहा है, जैसे कोरोना में भी फंसा था तो मुखिया जी ज़्यादा सपोर्ट किया हम लोगों को। ऐसे तो बहुत विकास हुआ है, विधायक जी की तरफ से कोई भी काम हम लोगों को देखने में नहीं हुआ है। ठीक है, नाम राम प्रकाश यादव। पिछले विगत चार वर्षों में सरकार की जो भी योजनाएं स्कीम आई है हमने 100% प्रयास किया है कि जनता के बीच जनता में वो कार्य को उतारे। जैसे मान लीजिए कि जल नल योजना है, जल नल योजना के तहत सभी घरों में 400 फीट नीचे का पानी पहुंचाना था, वो कार्य हम किए और कुछ कार्य जारी है। नली गली का काम किए, शौचालय का काम करवाए, जो व्यक्ति खुद शौचालय बना लिए थे उनका शौचालय फॉर्म वगैरह फिलअप करवा के सरकार के माध्यम से उनके खाते में 12,000 रुपया भिजवाए। अभी मनरेगा के माध्यम से आ जाइए तो जितने भी हमारे पंचायत में नाला पैन खाड़ जो भी छोटा 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 रोड जो भी था हम करवाए। और अभी हम संभवतः 70 के आसपास पशु सेट बनवा चुके हैं लोग कि किसी का अगर पशु है तो उसमें रहे खाएगा उसमें रहेगा। और रही बात हमारे पंचायत में सरपुरा गांव की जहां से मैं बिलोंग करता हूं, वहां पे अभी तो आप लोगों का लिए पूछे मतलब सार्वजनिक स्तर पर हमारे पंचायत में हमसे पहले किसी भी सरकार के द्वारा किसी भी मुखिया या फिर मंत्री या फिर विधायक के द्वारा हमारे गांव में कोई ईंट का भी कार्य नहीं हुआ था। तो हम करवाए अपने पाँव का गाँव का विकास। देखिए हम आपको बता दें पहले कि हम तो एक प्रोफेशनल है नहीं, चूँकि इससे पहले हम सूरत टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैनेजर का कार्य करते थे और कभी सोचे भी नहीं थे कि हमें मुखिया बनना है। लेकिन हमारे पंचायत का ये मुखिया का जो सीट है वो रिजर्वेशन हो गया एसटी में, चूँकि शेड्यूल ट्रायल से हम भी आते हैं। तो हमारे गाँव के सभी लोग हमें कहने लगे कि आप आइए, पढ़े लिखे हो आप, आपको हम लोग सपोर्ट करेंगे ताकि अपने गांव का अपने पंचायत का विकास हो सके। हम आए, लोगों के बीच में घूमे, समीक्षा किए, सभी लोग बोले कि मुखिया जी आप खड़े होइए मनोरंजन जी। तो हम खड़े हुए, हमारे गांव भर के लोग वोट दिए, पूरे पंचायत से हमें वोट मिला था और हम मुखिया बने। मुखिया बने तो पूरे पंचायत के लोगों का जाकर हम समीक्षा करने लगे, देखने लगे हम कि यहाँ पे क्या समस्या है। और हर संभव हमने अपने पंचायत में प्रयास किया कि जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे रोड बनवाए, नाला बनवाए, पीसीसी करवाए, शेड बनवाए, पैन नहर नाला सब का काम किए। उसके बाद मतलब सीधे सीधे कहने का मतलब ये कि जो लोग भी चाहते हैं कि युवा जनप्रतिनिधि हों जी, यही चाहते हैं जी। मैं अगर हमसे ये पूछिएगा तो हम तो खुद युवा है और लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट करके यहाँ पे लाया है, तो मैं चाहूँगा कि हमारे युवा राजनीति में आए। देखिए ये जो पंचायत है, लोग है, उनको पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे नेता की आवश्यकता है, नहीं कि आप कुछ वादे किए और मोटिवेट किए और काम किए कुछ और।